आप बाइंग ये प्रॉपर्टी डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 300 से ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स के लाइव वीडियोस, लेआउट, प्राइस, डील्स और डिस्काउंट्स देख सकते हैं और बिल्डर से डायरेक्टली खरीद सकते हैं लोवेस्ट कीमत पे और एक अशोर्ड कैशबैक के साथ में केवल 4 स्टेप्स। पहला, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर में फिल्टर पे क्लिक करने पे अपना मनपसंद एरिया सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई फिल्टर पे करके सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के वीडियो आइकॉन पे क्लिक करने पे उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के लेआउट्स और कीमत की जानकारी मिल जाती है। तीसरा, ऑफर्स में स्पेशल डील्स और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलता है। और चौथे, कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने से डायरेक्टली बाइंग या प्रॉपर्टी या बिल्डर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस एक्वाकासा नोएडा एक्सटेंशन के प्राइम सेक्टर 16 में बन रही एक प्रीमियम अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं। एस एक्वाकासा नोएडा के सेक्टर 16 में बन रही एक प्रीमियम अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है। सोसाइटी पहले रुद्रा एक्वाकासा के नाम से जानी जाती थी, पर अब एस ग्रुप के एक्वायर करने के बाद में इसका नाम एस एक्वाकासा होगा। प्रोजेक्ट को लेक साइड अपार्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा था, जहां पे अपार्टमेंट्स के बीच में आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी और सभी अपार्टमेंट्स को इसका व्यू मिलेगा। प्रोजेक्ट का पूरा एरिया 10.76 एकर्स का है और इसमें 16 बिल्डिंग्स प्रपोज्ड हैं, जिनमें टोटल मिला के तकरीबन 1500 यूनिट्स होंगे। इन बिल्डिंग्स की हाइट ग्राउंड प्लस 21 फ्लोर्स की होगी। सोसाइटी के सारी कॉमन एमिनिटीज पोडियम फ्लोर पे होंगी। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK, 2+ study, 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस प्रपोज्ड हैं। प्रोजेक्ट में सभी लग्जूरियस एमिनिटीज, जिसमें क्लब, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, सेंट्रल लॉन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, एम्पी थिएटर जैसी काफी सारी सुविधाएं भी प्रपोज्ड है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो प्रोजेक्ट कंसेप्चुअली तो काफी अच्छा है और साथ ही में सेक्टर 16 की एक प्राइम लोकेशन में होने की वजह से कनेक्टिविटी वाइज भी 130 मीटर रोड से बेहतर ही है। अगर प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाता है और सभी फैसिलिटीज ऑपरेशनल हो जाती है तो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।